नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परियार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। बस मेरा एक ही प्रश्न है, क्या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में की तैयारी कर रहे हैं? क्या उस प्रतियोगिता परीक्षा में गणित अपना एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रखती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसके बिना उस परीक्षा को क्रैक करना मुश्किल हो? अगर हाँ तो ही ये वीडियो देखें और इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो यहीं से स्किप करके आप आराम से अपने दूसरे YouTube पे वीडियो देखिएगा, ठीक है? नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हुआ है, आपने क्लिक किया है और उसके बाद पूरा वीडियो देखेंगे तभी आनंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए चलते हैं हमारे विषय पे। देखो हमारा जो टाइटल है उस टाइटल के अकॉर्डिंग ही, क्या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करना चाहते हैं? पूरे अंक का मतलब गणित में, क्योंकि गणित ही ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर पूरे में से पूरे अंक लाए जा सकते हैं, और भी सब्जेक्ट में लाए जा सकते हैं पर यहां पर लाए जा सकते हैं एक रणनीति के साथ, ठीक है? अब रणनीति पहले भी हम बना चुके हैं एक बार, आज फिर है, ठीक है? देखिए परीक्षा का जो पैटर्न होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही पैटर्न है, या तो वो बैंक पैटर्न पर एग्जाम होती है या SSC पैटर्न पर एग्जाम होती है, या तो वो बैंक पैटर्न पर एग्जाम होती है। बैंक पैटर्न का एग्जाम का मतलब होता है जहां पर कैलकुलेशन को यानी गणना को महत्व ज्यादा रखा जाता है। कैलकुलेशन, अब गणना को महत्व का मतलब होता है जहां पर जोड़ घटाव गुणा भाग परसेंटेज वर्ग घन और पहाड़ा, जिसको हम हमारे इस एकेडमी की श्रेणी में करते हैं 9 टेबलेट। क्या बोलते हैं? 9 टेबलेट। इसका बहुत महत्व होता है, ठीक है? और इसका महत्व यहां पर भी होता है पर इसका वेटेज कम होता है। यहां पर 9 टेबलेट यहां पर उसका महत्व होता है ज्यादा, पर इसका यहां पर वेटेज थोड़ा कम होता है। अगर ये यहां पर 100% का काम कर रही है तो ये यहां पर 70% का काम कर रही है, इतना सा फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं, ठीक है? उसके बाद यहां पर DI पूछे जाते हैं। यहां DI अगर 100% के काम करती है तो यहां 50% ही रहते हैं, मतलब इसमें 10-10 क्वेश्चन तक DI आते हैं और यहां पे एक एक दो दो क्वेश्चन DI के संबंध में पूछते हैं, ठीक है? DI की ये कंडीशन रहती है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज क्वेश्चन, और यहां पर भी जो लैंग्वेज क्वेश्चन, ये थोड़ा उनका लेवल हाई होता है और यहां पे थोड़ा मॉडरेट होता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी जैसे कि यहां पे अगर लाभ हानि वाला सवाल आए तो थोड़े इजी आएंगे, यहां पे थोड़े कठिन आएंगे, बस इतना सा फर्क रहता है। इन सारी एग्जामों इन दोनों की तैयारी को मिक्सअप करके, अच्छा मिक्सअप इतना नहीं करना, इससे हम सारी एग्जामों की तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसको और इसको थोड़ा मिक्स करके अगर इसी की तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसी की तैयारी, इसी की। अगर आप दूसरी कोई तैयारी कर रहे हो, जैसे कि थोड़ी देर के लिए बहुत सारे बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कई सारे बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, SI की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप MP TET और CTET की तैयारी कर रहे हैं और CTET की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम रीट राजस्थान की रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ETC मतलब बहुत सारे एग्जाम है, अभी तो व्यापमकी से संबंधित बहुत सारे एग्जाम है, जेल प्रहरी हो गया, आप इसमें लिख लो भाई, लिख लो, नाम नहीं लिखोगे तो बोलोगे नाराज हो जाओगे, जेल प्रहरी हो गया और ETC, जितनी भी सारी एग्जाम, उन सब की तैयारी कर रहे हो तो ये गारंटी से बात करता हूं मैं कि अगर जो हम यहां पर जैसे अभी बैंक की है, थोड़ी सी देर के ये मेरा संदर्भ क्यों लेना रहा, अगर आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं किसकी, जैसे कि अभी थोड़ी देर के लिए अपने आंखों के सामने केवल एकमात्र एग्जाम है वो है ग्रामीण बैंक की क्लर्क और ऑफिसर की एग्जाम की, तो ग्रामीण बैंक के क्लर्क के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं क्लास तो आप उसमें 100% भाग लीजिए, मैं गारंटी से कहता हूं कि दुनिया की कोई सी भी एग्जाम आप आन, मैं खुद कह रहा हूं, मैं अपना उदाहरण भी लेता हूं, दूसरे दोस्तों का भी उदाहरण देता हूं, मेरे साथ जो बैंक की तैयारी करने वाले हैं या फिर मेरे स्टूडेंट पढ़ाए हुए जो बैंक की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अगर जेल प्रहरी की एग्जाम दी, उन्होंने अगर पुलिस की तैयारी करी और पुलिस की एग्जाम दी तो वो सबसे हाईएस्ट आए,
वो सबसे आगे रहे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी का लेवल थोड़ा सा अप होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल साइकोलॉजिकल बात है कि आपकी तैयारी जो है थोड़ी सी अप होना चाहिए। अप मतलब आप अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी थोड़ी सी लेवल होना चाहिए। बस मेरा ये कहना है कि आप यहाँ पे बैंक की तैयारी कर रहे हैं। अब गणित में अगर देखें तो लगभग 10-15 टॉपिक हैं, 15 टॉपिक हैं। एक टॉपिक में लगभग आपके पास, मैं इसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 800 रुपये, तो 15 टॉपिक में मिलकर 1000 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे? 1000 क्वेश्चन होंगे। और टेस्ट सीरीज में दे दो, टेस्ट का मतलब होता है, देखिए जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए अभी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक की टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। मतलब जैसे बैंक में क्या होता है कि 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन में क्या होता है 22.5 मिनट मिलते हैं, 22 मिनट मिलते हैं, तो हम कितना तैयारी करते हैं, तो टेस्ट जरूर लगाइए। और कम से कम 20 टेस्ट आपके पास होना चाहिए इसे, और वो अपडेटेड होना चाहिए। मतलब प्रीवियस एग्जाम जो होते, देखिए हमारा अपडेटेड का मतलब और कुछ नहीं है, हमको क्या वहाँ के पेपर लीक थोड़ी हो गया क्या कि वहाँ पर क्या हो रहा है IBPS में, वो कैसे क्वेश्चन लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पर हाँ, प्रीवियस पेपर जो भी होता है, जैसे अभी 2019 का पेपर हुआ, उस 2019 के पेपर के अकॉर्डिंग हमें अपडेटेड जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करना है, खूब यानी फुल प्रैक्टिस करना है। और इतनी प्रैक्टिस करना है कि आपको वो पेपर, एक एक पेपर कम से कम 5-5 बार हो जाए, हर चीज़ आपकी आंखों के सामने से 5-5, 6-6 बार निकलेगी तो आपको पता लग जाए इसमें इसको गुणा करना, इसमें इसको गुणा करना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम गणित की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आप हमारी जो यूथ एकेडमी है, जिसका चैनल आपके पास है, उस चैनल में एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट की, गणित की प्लेलिस्ट जो है, यानी मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है, उस मैथ्स की प्लेलिस्ट में कम से कम 100+ वीडियो है आज की तारीख में, जहाँ पर ज्यामिति और क्षेत्रमिति को अपने बिल्कुल चरम सीमाओं पर हमने रखा है। मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई है ज्यामिति और क्षेत्रमिति। तो ज्यामिति और क्षेत्रमिति को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा के और कैलकुलेशन का पार्ट बहुत अच्छा समझा के MPTET और CTET के लेवल से, और उसके बाद हमने लाभ हानि, परसेंटेज, SICI और एक चरी रेखिक समीकरण, दो चरी रेखिक समीकरण, इस प्रकार के सारे टॉपिक को हमने वहाँ पे 100+ वीडियो में कर रखा है। आप बिल्कुल जाके देखें उसको। ठीक है, और अब आज की बात करते हैं कि आपके इस वीडियो में एक ऑनलाइन लिंक है। ऑनलाइन लिंक मैं फिर बता रहा हूँ, क्या है ऑनलाइन लिंक, जिसमें 40 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 40 क्वेश्चन हैं RRB क्लर्क के अकॉर्डिंग। अब बहुत सारे बोलेंगे सर RRB तो हम दे नहीं रहे हैं तो हम क्यों देखें? भाई नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। वो गणित के 40 क्वेश्चन है साहब, वो RRB का ठप्पा नहीं लगा हुआ है उसमें। जो बैंक की तैयारी करता है या फिर जो इस प्रकार की एग्जामों की तैयारी करता है, वो 101% किसी भी एग्जाम में, भले वो इसमें से कोई सी भी एग्जाम हो, 101% अच्छे नंबर लाता है। तो ठीक है, RRB क्लर्क का एग्ज़ाम है पिछले 2019 का, यानी 2019 का प्रीवियस पेपर है, वो मेमोरी बेस्ड पेपर है, उसका हमने ऑनलाइन लिंक दिया है। ठीक है, तो वो आपको जो वीडियो है, ये वीडियो 8 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका, सुबह 8 बजे, सुबह कौन सी 23 तारीख की, 23 जुलाई 2020 को आपको सुबह 8 बजे ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम इसकी PDF देंगे 12 बजे। ठीक, और PDF जो आएगी वो इसके साथ दो वीडियो आएंगे, इसके हल के दो वीडियो आएंगे। ठीक, और वो वीडियो आएंगे कितनी बजे? 12:05 पे। 12 बजे ठीक नहीं रहता, कितने बजे? 12:05 पे, मतलब 23/7/2020 को 12:05 पे दोनों वीडियो एक साथ आएंगे, और एक में 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा, एक में 30 क्वेश्चन का रहेगा, और उन वीडियो को पूरी तरह से देखना, फिर आनंद आएगा आपको। मेरा एक ही उद्देश्य है इस वीडियो को बताने का कि अब हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज टाइप भी शुरू कर रहे हैं काम। तो आपको देखो, सबसे पहले टेस्ट सीरीज देना है, ऑनलाइन लिंक अभी 8 बजे आपके पास आ जाएगी इसी वीडियो में। ये जो वीडियो जो देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन लिंक आ जाएगी 40 क्वेश्चन की। उसके बाद 12 बजे जो दो वीडियो आएंगे, उसके अंदर PDF भी रहेगी, जिसको आप संभाल के रख सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है,
और उसके बाद इसके हल को दो वीडियो रहेंगे और वो वीडियो लगभग 1.5 घंटे से रहेंगे। उन दोनों वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना, आप गारंटी है आप मैथ्स के पूरे। हमारा उद्देश्य पहले सब दिक्कत थी कि मैं रीजनिंग भी पढ़ा लूँ, मैं जीके पढ़ा लूँ, उन सब के कारण क्या होता मैथ्स, अब मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन है मैथ्स के ऊपर और मेरी गारंटी है कि मैं मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर आपको ले दिलवा के रहूँगा। एन कैन प्रकरण, एन कैन प्रकरण मतलब होता है आपकी प्रैक्टिस करके, आपको मोटिवेट करके, आपको पूरी तरह से अपलिफ्ट करके, ठीक है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो गणित में, किसी प्रकार की मन नहीं लग रहा है, कोरोना में दिक्कत आ रही है, मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में गणित का जो चैप्टर होगा, गणित के जो सवाल होंगे, उसमें 100 में से 100% नंबर लाएंगे, जिससे अपना कॉन्फिडेंस रहे और हम उस एग्ज़ाम में सफल हों, अपने परिवार की मदद करें, देश की मदद करें, राष्ट्र की मदद करें और अपनी भी मदद करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।